अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप का साल है, T20 वर्ल्ड कप 2022। इस बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाएगा। एशियाई टीमों के लिए एक डरावना ख्वाब होता है जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड जैसी कंडीशन में कोई आईसीसी का इवेंट खेला जाए, तो बिल्कुल डरावना ख्वाब होता है। बहरहाल हमारे लाला शाहिद अफरीदी ने बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दिया है T20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर। इसके अलावा इंडिया की तरफ से भी प्रेडिक्शन सामने आ चुकी है कि कौन सी टीम इस बार खिताब अपने नाम कर सकती है। बहरहाल शाहिद अफरीदी ने जो प्रेडिक्शन की है वो की है पाकिस्तान टीम के लिए। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि मैं प्रेडिक्शन इसलिए नहीं कर रहा कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो मैं पाकिस्तान टीम को जो है वो आगे रख रहा हूं। शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि अगर आप करंट देखें, यानी कि करंट T20 की रैंकिंग देखें, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आपको टॉप के ऊपर नजर आते हैं, और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की परफॉर्मेंस किसी से ढकी छुपी नहीं है T20 के अंदर। और इसके अलावा शाहिद अफरीदी का कहना है कि बाबर आजम की जो अलेवर है उसकी परफॉर्मेंस आपने जो गुज़िश्ता 2 साल के अंदर देखी है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, और यही लगता है कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी और T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम करेगी। तो ये शाहिद अफरीदी की प्रेडिक्शन थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, पर देखना होगा पाकिस्तान की टीम किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाती है। और इसके अलावा इंडियन की तरफ से कुछ प्रेडिक्शन की गई है इंडियन मीडिया की तरफ से। इंडिया जो है वो टॉप 3 टीमें जो है वो कंसिडर कर रहा है कि भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो खिताब जीत सकती है इस बार T20 वर्ल्ड कप का। उन्होंने पाकिस्तान को कंसीडर नहीं किया है। हालांकि पाकिस्तान और भारत का तगड़ा मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2022 के अंदर एक बार फिर देखने को मिलेगा, तो भारत जो है वो पाकिस्तान को फिलहाल शामिल नहीं कर रहा। बहरहाल आने वाले वक्तों में बड़ा टाकर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको अपडेट चलेगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना।